नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में एक शिव मंदिर को वेंडलाइज किया गया है और इतना वेंडलाइज मतलब मूर्ति भगवान का जो स्वरूप है उसको खंडित कर दिया गया है। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि नॉनवेज का इस्तेमाल किया गया है और फिर उसके जो टुकड़े हैं वो मंदिर में ही छोड़ दिए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 वर्ष से ऊपर का मंदिर है और उस मंदिर में अक्सर ये लोग आते थे, उल्टा सीधा काम करते थे, वहाँ के लोकल लोग उनको मना करते थे लेकिन दबंगों ने माना नहीं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसकी सूचनाएं अथॉरिटीज़ को दी गई थी और अथॉरिटीज़ ने मतलब अथॉरिटी किसको दी थी पता नहीं, लेकिन अथॉरिटीज़ को ऐसा कहा जा रहा है कि सूचनाएं भी सब स्प्रेड आउट की गई थी। हालांकि इस प्रकार के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि हेट स्पीच और इस तरह के मामलों में सू मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, पुलिस को किसी की FIR की ज़रूरत नहीं, कोई सूचना की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके संज्ञान में इस प्रकार का विषय आता है तो ये उनका दायित्व तो बनता है कि वो उस पर संज्ञान लें। खैर, मैं कई बार कहता आया हूँ कि 4 अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, एक सरकार है, एक सिस्टम है, एक जनता है और जो सिस्टम जो सरकार को चुनती है, और एक जुडिशरी। जुडिशरी इन सब कृत्यों पर सही अच्छा खराब, क्या निर्णय हुआ, सही हुआ, कानूनन हुआ, नहीं हुआ, या पनिशमेंट देने का काम करती है। सरकार का अपना एक व्यू होता है और सदैव से एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम उस पानी की तरह है जो जिस लोटे में जाएगा उसका शेप रख लेगा। सिस्टम पानी की तरह है जो जिस बर्तन में डाला जाएगा उस बर्तन का स्वरूप ले लेगा, यानी कि वो बर्तन सरकार होती है। सरकार जैसी बैठेगी, जिस प्रकार के जिस मूड की सरकार बैठेगी, सरकार की जो विचारधारा होती है उस विचारधारा के अनुरूप ही सिस्टम अपने आप को ढाल लेता है। ये सदैव कर रहा है। ये सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि ये स्वतंत्र भारत के बाद का सिस्टम है, ये अंग्रेज़ों के समय पर भी सिस्टम था और इसी प्रकार का सिस्टम मुगलों के टाइम पर भी हुआ करता था। कुल मिलाकर जो सत्ता में रहे, चाहे वो हिंदूशाही सत्ता में रहे, इस्लाम मतलब मुगल सत्ता में रहे, ईसाई सत्ता में रहे, कांग्रेस सत्ता में रहे या भारतीय जनता पार्टी या JDU सत्ता में रहे, और बिहार में तो इस समय जो 2 पार्टियों के गठबंधन का सरकार वहाँ पर चल रहा है तो एक नीतीश है, एक लालू प्रसाद है, और वो इंडी गठबंधन भी किए हुए हैं। इंडी गठबंधन में 26-27 जो भी पार्टियाँ हैं उस इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडी गठबंधन के हिस्से को रहते हुए ही हम सबको याद है कि स्टालिन ने एक बयान दे दिया था, उसके बाद उनके टी राजा जो भी उनका नाम था उन्होंने बयान दे दिया और सनातन को HIV बता दिया, सनातन को एड्स बता दिया, सनातन को मच्छर मक्खी बता दिया, सनातन को डेंगू बता दिया। इस तरह के बयान देकर उसके साथ ये भी बयान दे दिया कि सनातन को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। अब सनातन को समझना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सनातन तो वो है जो चिरजीव है, सनातन वो है जो नव नूतन चिर पुरातन है, यानी कि वो कब से शुरू हुआ पता नहीं, और वो सनातन इसलिए है इसलिए कि वो नव नूतन है, वो कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है जो 1500 साल पहले जन्म हुआ और वहीं पर टिका हुआ है। चाहे हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं या फिर हम मंगल पर पहुंच जाएं, वो वहीं पर टिके हुए हैं। हम 2000 साल पहले, सनातन 2000 साल पहले नहीं पैदा हुआ जो कि ये कहे कि वो ईसा मसीह के आधार पर चलेगा। सनातन वो है जो चिर पुरातन है, लेकिन उसमें जितना चिर पुरातन होगा उतना उसमें विकास ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा रिसर्चें होंगी, उतने ज़्यादा मेथोलॉजी होंगी, उतने ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे, उतनी ज़्यादा डॉक्टरेट होंगी और उतने ही प्रकार के स्कूल भी डेवलप होंगे। तो किसी भी ये संप्रदाय की एक खास बात है, उसके स्कूल्स होते हैं। सनातन के डिफरेंट स्कूल्स हैं, सनातन के डिफरेंट स्कूल्स में कोई ज्ञान मार्ग को मानता है, यानी कि वो पौराणिक वो उसको नहीं मानता, पाषाणों को, और कोई पाषाण को मानता है यानी कि कोई मूर्ति पूजा करता है तो वो और दूसरी चीज़ें नहीं मानता। कोई दिल में ही भगवान को मानता है, कोई नर में नारायण को देखता है, तो कोई ये कहता है कि रत्न तो 3 ही हैं और वो 3 रत्न अपने आप में, वो है अन्न, वो है जल और वो है सुभाषित। सुभाषित से तात्पर्य उनका है कि वो मधुर वचन है, लेकिन जो मूल लोग हैं वो पाषाण खंडों को ही
अपन रत्न मानते हैं, ये खास बात है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में विकसित हुई। भारत में लाइफ साइंस को मानने वाले लोग हैं, भारत में जीवंत चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, भारत माता का कॉन्सेप्ट रखने वाले लोग हैं, भारत में वैल्यूज़ को मानने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर भारत ऐसा एक कंट्री है जो संसार की सभी प्रकार की मिथोलॉजीज़ को मानते हुए भी एक सनातन अपने आप को कहता है, और ये कहता है कि हम किसी के द्वेषी नहीं हैं, हम रिसर्चर हैं। आपकी फिलॉसफी आपके पास होगी, मेरी फिलॉसफी मेरे पास है, हम दोनों बैठकर शास्त्रार्थ करेंगे, और इस शास्त्रार्थ के बाद जो वे ऑफ लाइफ निकल कर आएगा, जो जीवन चरित्र निकल कर आएगा, व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए एंड व्हाट मस्ट बी, और क्या होना ही चाहिए, ये तय करेंगे। लेकिन उससे पहले हम शास्त्रार्थ करेंगे, और उन शास्त्रार्थों को करने के बाद ही जीवन की पद्धति तय करेंगे, यानी कि ह्यूमैनिटी तय करेंगे, और संसार की वो हर एक चीज़ जो जिसको विज्ञान मानता है, जिसको अध्यात्म मानता है, जिसको विज्ञान नहीं मानता, जिसको अध्यात्म नहीं मानता, जो आस्तिक है या नास्तिक है, हम सभी मिलकर वे ऑफ लाइफ तय करेंगे, और उसको ही सनातन कहा, इन शॉर्ट उसको हिंदू कहते हैं। अब ऐसी फिलॉसफी जानने के लिए आप जब विवेकानंद जी को सुनेंगे, तो विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा, हिंदुइज्म इज लाइक अ ओशन बट ए फ्रॉग ऑफ अ वेल कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ओशन। ये एक समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है हिंदुइज्म, यानी कि सनातन, बहुत गहरा समुद्र है, और इस समुद्र को वो नहीं जान सकता जो एक एक कुएं में रहता हो, क्योंकि कुएं का मेढक उसने कुएं की दीवार से ज़्यादा बड़ा समुद्र का इमेजिनेशन नहीं कर पाना था। यही कारण है कि जो डिफरेंट तरह के संप्रदाय मानने वाले लोग हैं, जो रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, जो पूजा पद्धतियों पर अडिग रहने वाले लोग हैं, उस पर दृढ़ रहने वाले लोग हैं, वो सनातन को नहीं समझ सकते, वो हिंदुज्म को नहीं समझ सकते। उनके लिए सनातन या हिंदुज्म वो बहुत दूर का तारा है, जिसको सिर्फ देखा जा सकता है लेकिन उसको महसूस नहीं किया जा सकता। ये उनकी फिलॉसफी है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि वो बिल्कुल वैसे ही जैसे दसवीं का छात्र, जो दसवीं आठवीं नौवीं पढ़ता है, मैं उसको ये नहीं कह रहा वो ज़ीरो है, वो दसवीं का छात्र ये नहीं पता कर सकता कि पीएचडी में क्या किया जाता है, क्योंकि दसवीं का छात्र केवल एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ता है, उसको वो व्यापकनेस आती ही नहीं है, वो बड़ा परिदृश्य देखना ही नहीं आता है, जिस बड़े परिदृश्य से पीएचडियां होती हैं, और पीएचडियों के बाद पीएचडियां करवाने वाले लोग होते हैं, और फिर वो जीवन पर्यंत कुछ नई नई खोजें करते रहते हैं। उस वही हिंदुइज्म है, वही सनातन है, क्योंकि दसवीं का छात्र नहीं समझ सकता कि वो पीएचडी कैसे होती है। हम कहें तो सनातन पीएचडी है, और बाकी रिलीजन्स ये दसवीं नौवीं में फेल हुए छात्र हैं या फेल हुए बालक हैं, जिन्होंने दसवीं भी क्वालिफाई नहीं कर रखी। अब ऐसी परिस्थिति में अगर उदयनिधि स्टालिन ऐसी कोई चर्चा कर देते हैं कि सनातन उनको समझ में नहीं आता, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। उनको समझ में आता है कि सनातन इतना व्यापक है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक पार्टिकुलर चीज़ समझनी चाहिए। उनको सनातन की फिलॉसफी समझ में नहीं आती, इसलिए अंगूर खट्टे हैं वो छोड़ देना स्वाभाविक। लेकिन इस तरह के बयानों से जो कानून है भारत में, 153A की बात करें, 153B की बात करें, और धाराओं की बात करें, जो भारत में कानून है, कानून तो ये कहता है कि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो रिलीजियस उन्माद फैलाता हो, जो हारमोनी को भंग करता हो। आप कोई ऐसा कृत्य भी नहीं कर सकते जो कि भारत की हारमोनी को भंग करता हो। लेकिन ये जो बेगूसराय की घटना है, बेगूसराय में वहाँ से सांसद गिरिराज सिंह जी हैं, बेगूसराय में इस तरह की घटना हो जाए, और बेगूसराय बिहार में आता है, बिहार के दोनों छोटे बड़े भाई जो इस समय वहाँ शासन कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन के हिस्से हैं, और जिस समय उदयनिधि स्टालिन कोई स्टेटमेंट देते हैं,
उस समय ये कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते, कहीं ना कहीं दबी जबान में या खुली जबान में उसका सपोर्ट ही करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सत्ता के लालच में ये भूल चुके हैं कि सनातन की फ़िलासफ़ी क्या है। इनको भी सनातन की फ़िलासफ़ी का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी गहरी है, वो एक ओशन है। इस ये ओशन के किनारे खड़े भी नहीं हो सकते, ये पहुँचे भी नहीं। नतीजा निकला कि बेगूसराय में मूर्ति को खंडित कर देना, मूर्ति को खंडित करने के अलावा मंदिर में नॉनवेज का इस्तेमाल करना, जो बाकी का अवशेष बचें वो वहीं पर फेंक देना, ये उनकी पद्धति बन गई है। ख़ास तौर से जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट उदयनिधि स्टालिन ने दिया उसके बाद जो इंडी गठबंधन के लोग शांत रहे और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में सपोर्ट किया, उसका परिणाम निकल रहा है कि हमारे देश में एक विशेष समुदाय के लोग जो शांतिदूत अपने आप को कहते हैं, उनको हिम्मत बढ़ी होगी उन राज्यों में, ख़ासतौर से जहां इंडी गठबंधन के लोग रहते हैं, इंडी गठबंधन की पार्टियां रूल कर रही हैं, वहां तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी ही कि वो इस प्रकार की घटनाएं कर सकें। परिणाम ये निकला कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद वहां अगल बगल के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने सड़कें जाम कर दी। उन्होंने कुछ वहाँ ऐसा भी कहा जा रहा है कि आगजनी की गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ नारेबाजी हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोड जाम कर दिया गया। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर या एसएसपी एसपी जो भी वहां तैनात हैं वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई, उनका कहना है, लोगों का कहना है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया है, अब पकड़ करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ दबिशें डाली जा रही हैं। ये तब जब ग्रामीण वहाँ के लोकल के लोग रोड पर उतर आए, लोगों ने वहाँ हंगामा कर दिया और हंगामे में सब जो जो प्रशासन है प्रशासन को दबाव में लिया, तो प्रशासन एक्टिव होकर उस घटना को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, उस घटना से को सही यानी कि उस पर कोई और कोई बात आगे ना बढ़े वो करने की कोशिश की जा रही है। बेगूसराय के सांसद का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा है कि ये जो इंडी गठबंधन है ये उसका दोषी है, क्योंकि इसके लीडर्स जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं तो उनके फॉलोवर्स इस तरह की घटनाएं करेंगे ही, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हारमोनी बिगाड़ने का है, इसलिए इनको भी सोचना चाहिए, देश के सभी लोगों को एकत्रित होना चाहिए। देश का जो सनातनी स्वभाव है जिसके डिफरेंट आयाम हैं, उन सनातनी स्वभाव को के लोगों को इकट्ठे होकर इस तरह की गतिविधियों का प्रतिशोध करना चाहिए, इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, इन इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो इतना प्रेशर डालना चाहिए शासन को, प्रशासन को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, तो उतना प्रेशर मुझे लगता है डालने का प्रयास वहाँ पर किया गया है और किया जा रहा है। अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ शांत है, लेकिन वो कब तक शांत रहेगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि इस तरह की घटनाएं तभी शुरू हुई जब उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट आया और उनके सपोर्ट में इंडी गठबंधन के लोग दिखाई दिए, या इंडी गठबंधन मौन स्वीकृति दे रहा था, चुपचाप बैठा था। क्या होगा परिणाम ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उन विशेष समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है नहीं हो पाती है, या वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वोट बैंक के लालच में राज्य सरकार कोई और स्टेप लेती है, ये सब कुछ तय होगा कि जब उनकी गिरफ्तारी होगी तब। लेकिन अभी वहाँ पर माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ पर जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ा है। हालाँकि प्रशासन ये कह रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी इतनी बड़ी घटना हुई है, इसका क्या परिणति निकलेगी ये तो एक दो दिन में ही पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।